सलमान खान ने मान ली होती इनकी बात, न जेल जाते और न ही बदनाम होते। 20 साल पुराने काले हिरण शिकार मामले में सलमान खान को 5 साल की सजा होने के बाद चारों तरफ बस सलमान खान के बारे में पढ़ने और देखने को मिल रहा है। ऐसी ही खबरों एक खबर ऐसी भी जिसमें बताया गया है कि 20 साल पहले अलग सलमान खान एक शख्स की बात मान लेते तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। बता दें कि सलमान खान के साथ उस वक्त मौजूद बाकी साथियों सोनाली बेंद्रे, तबू, सैफ अली खान और नीलम को बरी कर दिया है। सलमान खान को सजा हो जाए, जेल चले जाएं, कभी नहीं बदलेंगी ये 6 चीजें, चौंकना मना है। मामला उस वक्त का है जब ये पांचों राजस्थान में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग कर रहे थे। वहीं इसी दौरान सलमान खान ने एक शख्स की बात नहीं मानी और उन्हें इग्नोर करके शिकार पर निकल गए। वहीं तब शायद सलमान को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये मामला इतना बड़ा हो जाएगा कि न सिर्फ उनकी किरकिरी होगी बल्कि जेल में दिन काटने पड़ेंगे। बताया तो यहां तक जा रहा है कि फैसले से पहले रात को सलमान इतने बेचैन हो गए थे कि उन्होंने न तो कुछ खाया और न ही सो पाए। वहीं जज ने जैसे ही 5 साल की सजा सुनाई सलमान पूरी तरह टूट गए थे, वे कोर्ट में ही रो पड़े थे। आगे जाने कौन है वो शख्स जिनकी बात अगर सलमान खान मान लेते तो शायद आज जेल में नहीं होते और जाने क्या कहा था उस शख्स ने। इनका था प्लान। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान और सैफ अली खान ने मिलकर हिरण शिकार का प्लान बनाया था। इस शख्स ने रोका था, वहीं इन दोनों को ही एक शख्स ने रोकने की कोशिश की थी। ये शख्स थे फिल्म के डायरेक्टर सूरज बड़जात्या। नहीं मानी बात, वहीं सलमान खान और सैफ अली खान ने सूरज की एक नहीं मानी। इन्होंने दिया साथ, सलमान और सैफ का साथ नीलम, तबू और सोनाली बेंद्रे ने दिया सलमान के साथ ये फिल्में। बता दें कि सलमान ने सूरज बड़जात्या के डायरेक्शन में हम साथ साथ हैं के अलावा मैंने प्यार किया डेब्यू फिल्म 1989, हम आपके हैं कौन 1994 और प्रेम रतन धन पायो 2015 में साथ काम किया है। ये लोग नहीं गए। वहीं मोहनीश बहल और महेश ठाकुर ने सलमान और सैफ के साथ जाने से इनकार कर दिया था, जबकि करिश्मा वहां थी ही नहीं तो रोना नहीं पड़ता। वहीं अगर 20 साल पहले सलमान खान सूरज की बात मान लेते तो उन्हें कोर्ट में न तो रोना पड़ता और न ही जेल जाने की नौबत आती। 500 करोड़ तक का नुकसान सलमान खान को 5 साल की जेल होने के बाद माना जा रहा है कि उनके कई प्रोजेक्ट बीच में फंस सकते हैं और 500 करोड़ तक का नुकसान हो सकता है। 4 मामलों में फंसे थे सलमान। बता दें कि सलमान खान के खिलाफ जोधपुर में 4 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से 3 मामले हिरण शिकार के और एक अवैध हथियार रखने के लिए दर्ज किया गया था। अवैध हथियार रखने के मामले में कोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया था, जबकि 2 मामलों पर सलमान को कोर्ट ने सजा सुनाई थी। जेल में एक रात और सलमान खान की जमानत पर कल फैसला आएगा। सरकारी वकील को नोटिस दिया गया है। अब इस मामले में आज कोई सुनवाई नहीं होगी, कल यानी कि शनिवार के लिए ऑर्डर रिजर्व रखा गया है, यानी कि सलमान खान को अब एक और रात जेल में गुजारनी होगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।